तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल देखो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको डेली का कितना प्लस निकालना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट वगैरह आ रहा था। और एक चीज़ ट्विस्ट है वीडियो में, और वीडियो में एंड जोन का जो फाइट है ना भाई, मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। और टिप्स एंड ट्रिक भी बहुत सारा रहेगा। और जो ट्विस्ट है वो भी, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, एक यूट्यूबर आया था, मैं भी एक थोड़ा मतलब छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं खेल रहा था मैं पेड बुश के आईडी में। मेरे आईडी का इस आईडी में, वो जो यूट्यूबर था ना, फ्रेंड लिस्ट में नहीं था, मतलब इस आईडी का मेरे मेन आईडी में फ्रेंड लिस्ट पे था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा टेस्ट लेते, देखते भाई मेरे को पहचान पाते हैं कि नहीं, और कौन सा यूट्यूबर है भाई आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक टास्क देता हूँ कि भाई कौन चिकन निकालने वाला है इस मैच में, तो एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता दो अभी, तो मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि भाई जो भी पहले कॉमेंट करेगा सबका कॉमेंट पर तो मैं रीड करता ही हूँ, तो पता चल जाएगा मेरे को। तो फिलहाल यहाँ पे देखो सीन क्या था, मैं यहाँ पे आया था बहुत ज़्यादा मतलब दूर था, इसलिए स्लाइड करके मेरे को आना पड़ा पैराशूट से। उसके बाद यहाँ पे लूट वगैरह करके मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, एक बाइक का गाड़ी का साउंड आता है जिस भाई को आराम से किल कर देते, और तभी मैं थोड़ा सा भाई का पेटी साइड के आता हूँ, मतलब थोड़ा सा फायर वगैरह तो हो रहा था, और तभी मेरे को इस साइड पर एक बंदा स्पॉट होता है। और अभी देखो यहाँ पे मैं इस भाई को भी किल कर देते, पर अभी एक यूट्यूबर के साथ फाइट होने वाला है, और देखो कैसे मैं भाई को किल करता हूँ। और कौन कौन जानता है इस यूट्यूबर को, एक बार कमेंट करके दे कर देना। तो फिलहाल देखो मैं यहाँ पे पेड़ पे कवर लेते मतलब लेके बैठा था, और तभी मैं सामने स्कोपिन करता हूँ और बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो इस भाई को भी किल कर देते, अभी मेरा फ्रेंड लिस्ट का बंदा था, यही वो यूट्यूबर था, पर अभी और एक यूट्यूबर आया है इस मैच में, शायद भाई दोनों भाई मिलके मैच मेकिंग करके खेल रहा था, पता नहीं क्या सीन था। तो फिलहाल तक इस भाई को किल करके मैं यहाँ पे आता हूँ, और थोड़ा सा वेट करके बैठा था, और तभी मेरे को किल फीड आता है, और मैं समझ जाता हूँ भाई हमारा बोटल भाई यहाँ पे आया है। मैं सोचता हूँ चलो अभी थोड़ा सा टेस्ट लेते, देखते भाई मेरे को पहचान पाते कि नहीं, मैं टीम अप करने की ट्राई करूँगा, देखते भाई टीम अप करते ही या मेरे को किल कर देते। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं इवेंट पे आ जाता हूँ, ये वाला जो मतलब पैलेस टाइप का जो भी रहता है बर्फीला, तो यहाँ पर आके मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, थोड़ी देर में मेरे को फुटप्रिंट आने लगता है, और मैं भी मतलब ऑल पर थोड़ा सा माइक ऑन करके बोलने लगता हूँ, क्या बोटल भाई है क्या, तो भाई देखते क्या टीम अप करते हैं कि नहीं। और तभी यहाँ पर सीन देखो, अनजान गेमर बोलते, अनजान गेमर। ये क्या बात है, हैकर बन चुके हो अभी देखा। अरे इसको बोलते प्यार। तो फाइनली भाई मेरे को पहचान लेते आवाज़ सही, तो ये वाला सही लगा मेरे को, मतलब भाई पहचान रहे ही बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी दिन से भाई के साथ मतलब बातचीत चल रही है, एकदम भाई की तरह बन गया है, तो भाई मतलब मज़ा आ गया था टीम अप करके, बहुत दिन बाद ही टीम अप करने मिला। और मैंने डिसाइड कर लिया था शायद भाई हम दोनों मतलब बच जाए लास्ट में, तो भाई को किल करके मैं चिकन लेने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मतलब पिछले सीजन या इस सीजन में शायद पहले भाई मेरे साथ आया था टीम अप करने के लिए, तो मतलब सीन हो गया था, मेरे को किल कर दिया, पैन फाइट वगैरह हुआ था शायद, तो उसमें मैं अल्लाह हार गया था। पर कोई नहीं, देखो यहाँ पे उधर से निकलने के बाद नई इवेंट से तो कोई बंदा नहीं था, एक भी बंदा मतलब पहले बता रहा हूँ कि टीम अप करके मैंने हम लोगों ने नहीं मारा, भाई को फाइट लेने दिया था पहले कि आप लोग फाइट लो, मतलब आप फाइट लो यहाँ पे, मैं चुपचाप बैठ रहता हूँ। तो यही सीन है भाई, कोई कमेंट मत करना भाई, तुम लोग टीम अप करके खेल लेते। यहाँ पे देखो मैं काफ़ी देर तक गाड़ी घुमा के ना यहाँ पे आ जाता हूँ, पर एक भी रोड बेस रोड साइड ना कोई गाड़ी नहीं मिलता, इसीलिए हम लोगों को साथ में ही रहना पड़ा, नहीं तो ये ओपन में पैदल भागूंगा ना तो खतरनाक सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर चुपचाप बैठे रहते हम दोनों। पर अभी भी मैं अकेला ही फाइट मतलब नहीं ले रहा था, मतलब मैं चुपचाप बैठा था और भाई सामने साइड से फायर ले रहा था, मैं फाइट वगैरह कर रहा था, मैं टीम अप करके हम लोग ने नहीं मारा, पर पहले ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि कोई भी बंदा एक्सपेक्टेड करेगा ना तो उल्टा सीधा मतलब कमेंट वगैरह पास कर सकता है, इसलिए।
तो फिलहाल यहाँ पे क्या सीन था, देखो यहाँ पे बैक टू बैक जोन बन रहा था, पर दो जोन बनने के बाद ना नेक्स्ट जो थर्ड जोन रहता है वहाँ पे इधर से शिफ्ट हो जाता है, तो हम लोग भी निकलना है जोन के अंदर। तो मैं सोचता हूँ मैं पैदल चला जाता हूँ, और भाई के पास तो उड़न खटोला वाला गाड़ी है, उससे ही चला जाएगा। तो मैं ही सोच के ये वाला सामने वाले पेड़ पर आ जाता हूँ, और भाई भी ऊपर से आ रहा था। और फाइट यहाँ पर देखो, यहाँ पे भाई क्या ही सीन हो गया था, मतलब एक बंदी को किल करके मैं जोन के अंदर एंट्री ले रहा था, तभी खिड़की से एक बंदा ताक झाक कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा डैमेज देते ही मैं साइड से, मतलब राइट साइड से, और एक बंदा जोन के बाहर से मेरे को डैमेज देता है। लकीली भाई को किल कर पाते, नहीं तो यहाँ पर मेरा पेट ही एकदम पक्का बन जाता, यही सीन था। उसके बाद देखो भाई को, जिस भाई को मैं छत पर मारा था ना, जिसने भाई बोटल भाई को किल किया था, उसको देखने के लिए यहाँ पे ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ सामने साइड पर नेट फटा, एक बंदे दूसरे बंदे को किल किया, तो बंदा भी सामने घर पर स्पॉट हो गया था। मैं पूरा रेडी था भाई, भाई को नेट से किल करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी देर जो है ना फाइट चलने वाला है, तो फाइट यहाँ पे एंजॉय करो। तो फिलहाल इस भाई को भी आराम से यहाँ पे किल कर देते, अब बचा था एक ही बंदा, जिसके लोकेशन के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था, इसलिए मैं अपना हीलिंग वगैरह करने के बाद ना बूस्ट वगैरह भी कर लेता हूँ, क्योंकि बंदा कहाँ से निकलेगा कोई आइडिया नहीं था। और नेट वगैरह जितना भी मेरे को मिला ना सब कुछ मैं उठा लेता हूँ, और सामने साइड में ना थोड़ा सा हल्का सा फुटप्रिंट आता है कि कोई बंदा तो आके, मतलब जो वॉल है ना उसके उस साइड बैठा हुआ है। तो मैं एकदम फटाफट जितना भी नेट वगैरह मॉली वगैरह था ना सब मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ। और सामने वाला भी भाई मेरे पे नेड वगैरह मॉली वगैरह भी कर रहा था, मैं थोड़ा सा डैमेज हो जाता हूँ, तो सबसे पहले हीलिंग करते। अब मैं भाई थोड़ा सा सेफ खेलूँगा, नहीं तो भाई के पास भी नेड वगैरह है, एकदम तुरंत नेड करेगा मैं एकदम पक्का फट जाऊँगा, क्योंकि नेड से मैं ज़्यादातर किल हो जाता हूँ, यही सीन रहता है मेरा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, अपना गन बन रिलोड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर भाई को कैसे मैं यहाँ पर किल करता हूँ, भाई को मॉली से जलाने का इतना ट्राई करता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिलहाल मैं रश करके भाई को किल करना पड़ा, पर भाई के पास डिवेस था, लकीली भाई एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता, नहीं तो मेरा ही पेटी यहाँ पे बन जाता। पर कोई नहीं, अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे 7 किल के साथ चिकन मिला, बोटल भाई के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, पर कोई नहीं भाई वीडियो देख रहे थे कॉमेंट कर देना मैं समझ जाऊँगा। तो यहाँ पर 30 का प्लस मिला, मतलब सोच रहे हो एस मास्टर पर। और इस आई डी का रैंक मैंने छोड़ दिया है, 385 पर रैंक छोड़ा हूँ, यहाँ पर हो सके तो स्क्रीन शॉट ऐड कर दूँगा, आप लोग देख लेना। तो उम्मीद है सुबह मिल जाएगा रैंक, ज़्यादा नहीं बढ़े तो। जो भी सीन होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो और एक चीज़ की मैं बोला था कि कितना पॉइंट वगैरह निकालना है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो डेली का मैं हमेशा टारगेट देता हूँ एस से ऊपर हो ना, एस से या एस मास्टर पे जितने भी हो ना, 150 से 180 का प्लस लगाओ दिन का, और उससे नीचे हो ना तो 200-250 का प्लस लगा सकते हो आराम से, अभी भी बहुत टाइम है, ईजी हो जाएगा। तो बस यही तक था आज के वीडियो का। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आया ना तो जरूर सब्सक्राइब करना, 500 सब्सक्राइबर और चाहिए हमारा 4K फैमिली कंप्लीट होने में, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।